Hello everyone, this is Harinder Sahu. Welcome to King Research Family. आज मैं लेके आया हूँ एक पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो देख के आपके तोते उड़ाने वाले हैं. Yes, this is इंट्राडे, प्योर इंट्राडे पावरफुल स्ट्रैटेजी. और ये स्ट्रैटेजी CPR बेस्ड है, जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था. जिस दिन मेरा 30,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उस दिन मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ रिवील करूंगा जो नैरो रेंज के अंदर होगा, यानी कि CPR में. इससे पहले मैंने CPR पार्ट वन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बनाया था, CPR पार्ट टू आप लोगों के लिए स्टॉक्स के लिए बनाया था, जो रिवर्सल स्ट्रैटेजी थी और रिवर्सल के साथ में वाइड रेंज में था. ये स्ट्रैटेजी नो रिवर्सल, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है. मतलब एक तरफा चलेगी, या तो सेल होगा तो गिरता जाएगा, बाई होगा तो चढ़ता जाएगा, यानी कि कंटिन्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ये स्ट्रैटेजी के अंदर. यानी कि कुछ बड़े टारगेट्स की बात करूंगा कुछ छोटे स्टॉप लॉस के साथ. और ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है, 5 से 6 साल का मेरे पास बैक टेस्टेड है, मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ. आ जाइए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे स्ट्रैटेजी ले पे चलता हूँ. और स्ट्रैटेजी ले जाने से पहले गाइस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक अभी बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने लाइक क्यों नहीं दबाया. चलिए, सो CPR नैरो रेंज, जिसका मैंने नाम दिया है ORB स्ट्रैटेजी. ORB मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, राइट. सो ये एक इंट्राडे मैं काम करूंगा, और इसमें जो काम होगा गेम ऑफ 15 मिनट्स का गेम होगा. इसमें 15 मिनट का गेम होगा, 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है मेरे को बाई करना है या सेल करना है. इसमें कैंडल ग्रीन हो रेड हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आ जाइए, सो ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. दिस इज परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर कैचिंग ट्रेंडिंग मार्केट को. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे ये हम लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट है, ओपन चैलेंज. वी नो द रियल सीक्रेट मेथड ऑफ CPR नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ओनली शेयरिंग विद यू गाइस. अगर स्ट्रैटेजी समझ में आए दुआ में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए. हाउ यू विल आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग डे और साइड वे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. ये देखिए, आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, राइट. CPR स्ट्रैटेजी ये 3 लाइन का गेम है. एक बीच में पाइवेट लाइन होता है, पाइवेट के ऊपर एक ग्रीन एक लाइन होती है, उसके नीचे एक लाइन होती है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लाइन्स का ये CPR का पूरा मैजिक है. अब ये वाइड रेंज हो गया, ये सीक्वेंस हो गया, आई टॉक अबाउट टुडे नैरो रेंज. और ये हो गया नैरो रेंज. आप खुद देखिए, ये जो तीनों लाइन है बिल्कुल चिपक जाएंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगी, राइट. अगर ये सीक्वेंस थोड़ा सा दूर रहेगा, वाइड पूरा चौड़ा रहेगा. तो मैं बात कर रहा हूँ आज ऐसी स्ट्रैटेजी की जो नैरो रेंज में है, यानी कि जो 3 लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लोज में रहेंगी, बिल्कुल पास में रहेंगी. और जिस दिन वो क्लोज में रहेंगी, मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट खुलेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्लोज है या दूर है, क्या है. जैसे ही वो क्लोज में रहेंगे, उस दिन आपको स्टॉक को सिलेक्शन करना है, उस स्ट्रैटेजी उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, राइट. सो क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड नैरो रेंज CPR वेन प्राइस. मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, एक आम आसान भाषा में, एक आम आदमी की लैंग्वेज में, एक नैरो लैंग्वेज में, लेमन वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ CPR क्या है मेरे भाई. वेन नैरो रेंज की बात कर रहा हूँ, वेन प्राइस गोइंग अप, प्राइस गोइंग डाउन एट द सेम टाइम ऑफ क्लोजिंग, राइट. प्राइस गोइंग अप, प्राइस गोइंग डाउन, और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, जब वो मार्केट में लास्ट में क्लोजिंग के आते वक्त एक हाई होगा एक लो होगा, अगर उसके बीच में कहीं आके क्लोज हो जाता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड नैरो रेंज. आप उस दिन नोटिस करना, अगले दिन वो नैरो बनता है रेंज. ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप देखिएगा. प्राइस शुड बी क्लोज मिडल ऑफ द डे और क्लोज नियर डे ओपनिंग प्राइस. जहां ओपन हुआ था लास्ट में आते थे वहीं क्लोज हो जाएगा, एक हाई बनाएगा एक लो बनाएगा, उसको मैं बोलता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा. प्रीवियस डे ऐसा होना चाहिए, तब अगले दिन वैसा होगा, नैरो रेंज तब काम करेंगे, राइट. तो रूल फॉर CPR ORB ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ORB मींस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट. सो मैं कुछ कंडीशंस है रूल्स बताता हूँ. बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कहाँ देखना है, कैसे अप्लाई करना है. भाई इस बार 5 मिनट 10 मिनट का नहीं लेके आया, इस बार सीधे 15 मिनट का लेके आऊँ, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग व्यूज में जाके समझ में आ सके. आ जाइए,
सर कैंडल टाइम आपको यूज़ करना है 15 मिनट्स का, और ये गेम है, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, कोई दोबारा मत पूछिएगा, नैरो रेंज का गेम है। जिस दिन रेंज जो सीपीआर का नैरो होगा उस दिन हम काम करेंगे, उस दिन उस स्टॉक को हम लेंगे। और मार्क फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल हाई लो को, जब पहला 15 मिनट का कैंडल है वेट करो, पहला 15 का कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लो। उसके बाद आपको ये अप्लाई करना कैसे है मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यूज़ की वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे आप क्लिक करो इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस में, जहाँ पे इंडिकेटर आप जिस जहाँ से लगाते हो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे सीपीआर विद पाइवेट लेवल्स, तो आपने देखना सबसे टॉप मोस्ट पे किंग रिसर्च वाला आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करते ही आपका प्लॉट हो जाएगा। ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी आपको, जिससे कि आप बार बार ना पूछो, क्योंकि आपको पिछली बार भी दिक्कत हो रही थी, राइट। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे, सेल सेटअप, इसको सेल कैसे करेंगे। वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, आपको पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट करना है, आपको फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल का वेट करना है। जब ये फर्स्ट 15 कैंडल मिनट बन जाए, उसके बाद सेकेंड 15 मिनट्स का कैंडल ये हाई और लो के बीच में रहेगा। सेकेंड कैंडल जो होगा, रूल नंबर वन, पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट करो। रूल नंबर टू, ये जो सेकेंड कैंडल 15 मिनट का बनेगा वो हाई और लो के बीच में कहीं भी बनना चाहिए, ना लो ब्रेकआउट होना चाहिए ना हाई ब्रेक होना चाहिए, कहीं नहीं, बीच में, यानी कि इनसाइड बार रहेगा, राइट, इनसाइड बार कैंडल बनेगी। उसके बाद आपको इसमें मैजिक लेना है, ध्यान से समझिएगा। इफ प्राइस ब्रेक द लो विथ बफर वैल्यू ऑफ 0.20 का, यानी कि सर 100 रुपए की चीज है, उसमें 0.20 माइनस कर देना सेल के वक्त में, जो रेंज आएगा वहां पे आपको सेल करना है। वहां पे सेल करने के बाद जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो पहला फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल है हाई का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस लगाते हुए 0.20 का बफर लगा लीजिएगा। और या तो फिर अगर सपोज करो पहला कैंडल बड़ा है तब क्या करोगे, तो आपको अगर बड़ा दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है स्टॉप लॉस बड़ा है, तो मेरे भाई मेरा जो थंब रूल है 1.5 to 2% का स्टॉप लॉस लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ, वो आप लगा लीजिएगा एट मैक्स। अब मैं बाइंग सेटअप की बात कर रहा हूँ, पहला कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल बनने दो, हाई लो को मार्क कर लो। सेकेंड कैंडल जो बनेगा वो इनसाइड बार होगा पहले कैंडल का, यानी कि सेकेंड कैंडल फर्स्ट डे कैंडल, मतलब प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई और लो के बीच में कहीं पे भी बने, बट हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, लो नहीं ब्रेक होना चाहिए फर्स्ट कैंडल का, ये इंपॉर्टेंट रूल है इस चीज़ का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो थर्ड रूल है, इफ प्राइस ब्रेक द हाई विद बफर वैल्यू ऑफ 0.20 देन बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 15 मिनट्स कैंडल लो और 1.5 to 2% का रेंज लीजिएगा। मेरे भाई बिलीव मी, ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद रोंटे खड़े हो जाएंगे, और जब बैक टेस्ट करोगे ना बूझ बम आए तो मुझे बोलना, ठीक है। किंग रिसर्च ने मेहनत से बनाया ये स्ट्रेटेजी, ना किसी किताब में ना किसी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाले, इस चीज की मेरी आपको गारंटी है मेरे भाई। आ जाओ, ये देखो गाइस, ये कब का है, 15 मिनट का वी गार्ड का चार्ट है, और ये फ्राइडे का चार्ट है। फ्राइडे के चार्ट में देखो सर क्या है, ये जो येलो कलर की पट्टी है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, कैन यू जस्ट टेल मी दैट, क्या है ये नैरो येलो कलर की पट्टी। सर देखो, बिल्कुल नैरो रेंज, बिल्कुल स्क्वीज हो गए, जो तीन लाइन थी बिल्कुल आपकी स्क्वीज हो गई। कैंडल ओपन हुआ, हाई क्या था, हाई ये था सर, हाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही, और देखो हाई और लो, ठीक है, हाई और लो, एक जो कैंडल बना सेकंड जो 15 मिनट का कैंडल है इसके बीच में, हाई लो के बीच में बना, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जिधर भी ब्रेकआउट हो, चाहे थर्ड कैंडल में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रेटजी आपके सामने है 166 से 186, यानी कि 150-200 रुपये के स्टॉक्स में 20 रुपये की चाल, 10% रिटर्न, राइट। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, एक तो तुक्के से चल जाता है मेरे भाई, मेरी बात पे मत सुनो, मेरे एग्जाम्पल मत देखो, अपना दिमाग लगाओ, खुद सोचो, कमेंट सेक्शन में मत पढ़ो, फिर बोल रहा हूँ, भगवान ने आपको दिमाग दिया, यूज़ करो, भाई ने आपको बना के दे दी है, टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, देखो, एक नहीं दो नहीं, इसकी खासियत किसी स्टॉक में लगा लेना,
निफ्टी में लगा लेना, बैंक निफ्टी में लगा देना, कहीं भी लगा लेना। और मेरा वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, भगा भगा के देखोगे, फिर बाउंस होगी स्ट्रेटेजी, फिर मत बोलना, ठीक है। ये देखो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स का कैंडल, हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद देखो पहला कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुआ, ब्रेकआउट मिला, बूम। कौन सा स्टॉक है ये? अपोलो हॉस्पिटल, 15 मिनट्स का चार्ट है। अंबुजा सीमेंट, ये मैं रियल जो फ्राइडे को बने हैं वही चार्ट्स बता रहा हूँ, बैक टेस्ट आपका होमवर्क है। और अगर समझ में आए, आपको अच्छा लगा, तो दोबारा वीडियो में आके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कैसी लगी स्ट्रैटेजी। और वायरल कर डालो मेरे भाई अगर समझ में आ रही है। देखो हाई लो ब्रेकआउट, हाई लो ब्रेकआउट, डॉक्टर रेड्डी। देखो कॉनकॉर बूम, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी भी किसी का डाउट है प्लीज़ कॉल मी ऑन माय नंबर 8468811500। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से, भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अगर चीज़ समझ में आए और लगी सिंपल है, ठोक डालो लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब मैं एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी आपको, एक और कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे, जिस दिन मेरा 50,000 सब्सक्राइबर YouTube में आ जाएगा, उस दिन एक और पावरफुल, इससे भी प्यारा स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। 50,000 मार्क इन योर माइंड। तो आपका काम क्या है? प्यार दो, प्यार लो, शेयर कर डालो, सब्सक्राइब कर डालो, बेल आइकन दबा डालो, जो मन करता है हर ग्रुप में चिपका डालो, समझ में आया। और मेरी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई तो मुझे ब्लॉक कर डालो, सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।